आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। इनफैक्ट थोड़ी बोलू तो बहुत थोड़ी, काफी ज्यादा ही थोड़ी, क्योंकि आज जो मूवी है उसमें सर्टिफिकेशन की बात की जाएगी। तो क्या हालचाल है दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी इस एक और वीडियो में। आज जूस बनेगा एक ऐसे रूम में जहाँ चीज मांगने को डबल मिलती है, जो चाहो वो चीज डबल मिलेगी गारंटी के साथ। अब आप सोचेंगे कि सर्टिफिकेशन और डबल रोल का क्या माजरा है, तो उसके लिए तो ये वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा ना, देखोगे? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये क्रियाकलाप, पर डिस्क्लेमर जरूरी है। आज मैं जिस मूवी की बात करूंगा उसका नाम है द रूम, जिसकी मूवी दिखाई 2019 में है। मूवी की शुरुआती सीन में हम एक ऐसे कपल को देखते हैं जिनकी कहानी चद्दर से लेकर एक पूसी कैट तक थी। ये दोनों ही अपनी लाइफ को परफेक्ट तरीके से शुरू करने के लिए एक पुराने घर जो कि सुनसान इलाके में है वो पुराना घर खरीदते हैं, जिसे देख कर तो एक बार तो भूत की भी गांठ फट जाए। एनीवे मूवी को आगे बढ़ाते हैं, अगर आप खरीदते हैं तो साफ सफाई भी करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं साफ सफाई का कार्यक्रम। साफ सफाई करते करते इन्हें एक ऐसा रूम मिलता है जिसे इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और एक हम इंडियन है, यहाँ पहली बात तो हम घर खरीदते नहीं बनवाते हैं। अगर भाईचारे में हम घर कभी खरीद भी लेते हैं तो घर की सारी मकड़ियों का हार्ट चेकअप होता है। घर के गेट से लेकर मकड़ियों की टट्टियां तक जांच जाती है। यहाँ पर जांच भी ये भी की जाती है कहीं कोई मकड़ी रेडियो एक्टिव तो ना हो, एक काट लियो और हम स्पाइडरमैन बन जाए। एनीवे अगर कमरा देखा है तो उसमें जाएंगे ही, तो वो उस कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही घर की लाइटें खराब हो जाती है, जो कि हर मूवी में होता है। तो वो दोनों एक इलेक्ट्रिक टट्टीशियन को बुलाते हैं, पर वहां पर तो उस इलेक्ट्रिक टट्टीशियन की भी टट्टी निकल जाती है, क्योंकि उस कमरे में थी तारे ही तारे, अनंत काल तक फैली हुई तारे। यहीं से तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट उत्पन्न हुआ है। एनीवे उन तारों को देखकर उस इलेक्ट्रिक टट्टीशियन की भी फट जाती है, जिस वजह से वो वहां से उसी क्षण उसी वक्त 9:11 हो जाता है। जाते वक्त वो इलेक्ट्रिक टट्टीशियन कहता है कि इस घर को छोड़ दो, यहाँ पे एक कत्ल हुआ था, जिस पर चद्दर कहता है पहली फुर्सत में निकल, क्योंकि चद्दर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसके बाद वो उस घर के बारे में खोजबीन करता है और टेंशन दूर करने के लिए चद्दर उसी रूम में दारू पीने लगता है। दारू पीते पीते दारू की बोतल भी खाली हो जाती है, तो वो बेवड़ों की तरह कहता है काश एक बोतल दारू और उसके बाद काया पलट ही कर दूंगा मैं, प्लीज एक बोतल। जिस पर वो रूम उसे एक दारू की बोतल दे देता है। अगले दिन बिल्ली सो के उठती है तो वह चद्दर को उसी रूम में पाती है जहाँ एक टाइम पे तारों का जंजाल फैला हुआ था। वहाँ पर चद्दर ने मोस्ट एक्सपेंसिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग मंगाई हुई थी। ये सब देखकर बिल्ली की भी एक बार बिल्ली फट जाती है, लेकिन सारी बातें समझकर बिल्ली अपनी बिल्ली को संभालती हुई पैसे मांगती है, तो वह पैसे उसे मिल जाते हैं। उसके बाद उनके घर में खुशियां ही खुशियां फैल जाती है। अब वो जो चाहे वो चीज मंगा लेते कुछ भी, जिसके बाद ये सब कुछ दिनों तक चलता है, जिसके बाद वो दोनों वो सब कुछ करते हैं जो उन्हें सही ढंग से करना था, अच्छे से करना था। ये सब कुछ दिनों तक ही चलता है क्योंकि बिल्ली का दिमाग खराब हो जाता है, पर वो पागल नहीं होती, क्योंकि डेली गपागप करने पर भी उन्हें गुड न्यूज नहीं मिली। क्योंकि जितनी देर में चद्दर का कंप्लीट होता उतनी देर में तो बिल्ली का वातावरण शुद्ध होता, मतलब मूड बनता, जिस वजह से उसे सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाता। अगर सर्टिफिकेशन नहीं तो क्रियाकलाप भी नहीं, अगर क्रियाकलाप नहीं तो बच्चा भी नहीं, यानी मेन मुद्दा यहाँ पे बच्चे का है। चद्दर और बिल्ली में इसी बात को लेकर थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत कुछ ज्यादा ही नोकझोंक होती है, तो चद्दर वहां से चला जाता है। लेकिन जब वो वापिस आता है तो गेस व्हाट गाइस, क्या देखता है वो, आखिर वो क्या देख लेता है, सरप्राइज सरप्राइज, जो कि ये गुड न्यूज उसी रूम की देन थी। बच्चे तेरी माँ की चूत वुमेन। ये सब देखकर चद्दर का भी दिमाग गर्म हो जाता है और फिर उनके बीच कहासुनी होती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस गुड न्यूज को वापस करके आएंगे। लेकिन वो जैसे ही उस रूम में प्रवेश करते हैं तो बिल्ली को सुनाई देता है, क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ, अभी तो मेरी लुल्ली भी खड़ी नहीं हुई माँ, प्लीज मुझे अपने घर जाना है। तो वो दोनों इस बच्चे को नहीं छोड़ पाते हैं और अपना लेते हैं। लेकिन चद्दर की गांड में था तेतर का बाल, तो वो उसी रात वाले मर्डर केस के विक्टिम के पास जाता है जो उस वक्त वहां था, जहां जाने पर वो पागल हुआ बैल बुद्धि उसे कुछ नहीं बताता, तो खाकर वहां से चद्दर चल देता है। लेकिन रास्ते में कार का तेल हो जाता है खत्म, क्योंकि तेल है बहुत महंगा, इसलिए वो भरवाता है तेल कम कम।
आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तेल भरवाने के बाद जब वो निकालता है पैसे तो सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर बन जाती है वो रेत, जिस वजह से चंद्र बिना तेल के पैसे दिए ही अपनी मरवा कर गांड घर आ जाता है जल्दी जल्दी और सारे पैसे फेंक देता है घर से बाहर, जिस कारण वो भी बन जाती है रेत। और सारी बातें चंद्र को आ जाती है समझ, लेकिन चंद्र बिल्ली को समझाता है। उससे पहले बिल्ली गुड न्यूज को बाहर ले जाती है, घर से बाहर आते ही उस गुड न्यूज का बड़ा बड़ा होने लगता है मतलब शरीर। अभी चंद्र उस गुड न्यूज को करके अंदर ले आता है। 80,000 के शूज है, 80,000 के तेरा घर जाएगा इसमें। तब चंद्र बिल्ली को समझाता है कि देखो डार्लिंग, अगर इस गांडू को बाहर ले गए मतलब इस गुड न्यूज को घर से बाहर ले गए तो इसके गांड के साथ साथ बहुत कुछ बड़ा होने लगेगा। तो बिल्ली को बातें आती है समझ, तो वो उस गांडू को समझाती है कि घर से बाहर मत जाना, बाहर है हाउ जो तुम्हें खाकर मार देगा मतलब मार के खा जाएगा। ये सुनकर तो गांडू की भी गांड फट जाती है और घर को कर दिया जाता है सील। तभी कॉल आता है उसी बैल बुद्धि का, जिसे उठाता है गांडू। गांडू की आवाज सुनकर बैल बुद्धि जोर जोर से हंसने लगता है। ये तभी चंद्र पूछता है कि गांडू की उम्र को रोकने का क्या उपाय है, सुझाइए जरा हमें। उस उपाय को सुझाने के चक्कर में चंद्र की गांड सूझ जाती है, क्योंकि उम्र को रोकने के लिए बिल्ली को अपनी जान देनी पड़ती है। एट द एंड आता है प्लॉट ट्विस्ट, क्योंकि वो बैल बुद्धि वो बच्चा होता है जिसे भी उसी रूम से मांगा गया। ये सब बातें सुनकर बिल्ली मन ही मन रोने लगती है और वो सुसाइड करने का प्लान बनाती है, लेकिन वापिस भी आ जाती है क्योंकि मरने से पहले गांडू मराना भी जरूरी था। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ये सब देखकर गांडू को भी मजा आता है, तो वो अपना लंबा करने के लिए अगली सुबह घर से बाहर चला जाता है और लंबा करके ही लौटता है। जब ये सब बिल्ली और चंद्र दोनों देखते हैं तो वो दोनों भी बोचंका हो जाते हैं। अब अगर बड़ा किया है तो काम भी तो लेना था। तो बिल्ली की बिल्ली पहनने के लिए गांडू आगे बढ़ता है। ये सब समय रहते समझ कर चंद्र गांडू से कर लेता है राड़ा। राड़े में बिल्ली हो जाती है बेहोश। राड़ा खत्म होते चंद्र आता है और गांडू के बारे में पूछता है, तो बिल्ली के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। जिसके बाद चंद्र बिल्ली को ऐसे वक्त में पहनने लगता है, ऐसे वक्त में भी। लेकिन तभी असली चंद्र वहाँ आ जाता है और उस नकली चंद्र उर्फ गांडू को घर से बाहर धकेल दिया जाता है। कैसा लंडा है यार, कैसा लंडा है, अबे वहाँ फेंक दिया जा, कभी नहीं आना था, गला फट गया मेरा। जिस वजह से गांडू की गांड का अनारदाना होकर फूट जाता है और वो मारा जाता है, क्योंकि बाहर आते ही उसकी उम्र बढ़ने लगती है। इस हादसे के बाद बिल्ली और चंद्र उस घर को छोड़कर बाहर चले जाते हैं मतलब घर को ही छोड़ देते हैं। और कहानी में आता है एक और प्लॉट ट्विस्ट, सरप्राइज सरप्राइज, वो पेट वाला बच्चा चंद्र का नौकर उस गुड न्यूज का था मतलब गांडू का। बेंचो जो काम टाइम लगा के चंद्र ना कर सका वो काम गांडू ने 2 मिनट से भी कम टाइम में कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को पिलाते वक्त बिल्ली के बिल्ली को भी मजा आ रहा था। एनीवे आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ यार, कमेंट जरूर कर दिया करें यार, और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, सब्सक्राइब कर दिया करें।